हवा की झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की सोखियाँ जो भवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूँ, सवार लूँ, सवार लूँ, हाय सवार लूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ग फैमिली इन बिहार। तो आप सब कैसे हैं? हम लोग बहुत ही बढ़िया है। और आज है संडे, तो छुट्टी का थोड़ा सा मूड है। और आज हम लोग बहुत ही लेट से उठे हैं, अभी गए हैं मिस्टर आदक मार्केट। मिस्टर आदक आ गए हैं मार्केट से। संडे का, हाँ संडे का मार्केट है। चावल खत्म हो गया था, चावल का बोरी है। आज फ्रूट्स में से आया है केला और एप्पल, और यहाँ पे है लहसुन, अदरक, धनिया पत्ता, और यहाँ पे है कॉलीफ्लावर, और दो तरीके का आलू है यहाँ पे, ये छोटा छोटा आलू और ये लाल आलू भी है, और ऑब्वियसली मछली तो है ही है। सो हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोगों का बाजार आ गया है, और यहाँ पे मिस्टर राधा का भी मछली लेके आ गए हैं। अभी मार्केट का मैं शूटिंग नहीं कर पाई क्योंकि मैं नहीं जा पाई मार्केट, तो अभी इसे मैं फ्रिज पे उठा लूँगी क्योंकि ये 1 वीक का है, तो वो उठाना है मुझे, स्टॉक करना है। तो चलिए दिन का शुरुआत कर लेते हैं। मैंने मछली को नमक हल्दी डाल के यहाँ पे इसको मैरिनेट करके रख दिए हैं। अभी इसे मैं फ्राई करूँगी। ये मछली का तेल है जो बुजुर्ग को बहुत ही फेवरेट है, सबका ही फेवरेट है। तो अभी मछली में फ्राई कर रही हूँ। और गोभी देके, मछली देके एक कड़ी बनेगा। तो नमक डाल के मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टीम करूँगी इसे, तो गोभी का जो एक बदबू जैसा आता है वो निकल जाएगा बाहर। तो मछली का जो सीर है मेरा फ्राई हो चुका है, और अभी मैं बाकी सारे मछली फ्राई कर रही हूँ। आलू गोभी भी स्टीम हो गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो गोभी का साग मिला था वही मैं फ्राई कर रही हूँ, लहसुन और प्याज दे करके थोक लगा के। यहाँ पे आलू, फूल गोभी और मछली डाल के जो सब्जी बनाऊँगी, तो उसका मसाला है टमाटर है, और ये है धनिया पत्ता का जो डंडा रहता है डाली वो है, एक अनियन है, अदरक है और लहसुन है। तो इसे फटाफट में पीस लेती हूँ। मसाला पीस चुका है, तो आलू फूल गोभी का जो सब्जी बनेगा, तो ऑयल में मैंने हल्दी डाल दिया है और आलू फूल गोभी, तो उस पर मैंने नमक भी दे दिया है। अभी इसे फ्राई करना है। तो ये अभी फ्राई हो गया, अभी इसमें पीसा हुआ मसाला मैं ऐड कर देती हूँ, और इसके साथ जीरा, धनिया, सौंफ और काली मिर्च पाउडर। अभी इसे अच्छे से फ्राई करना होगा मसाला को। फ्राई हो गया है, अभी इसमें पानी डाल देंगे। तो अभी इसमें गर्म पानी दे देंगे, पतला सा झोल बनेगा। अभी ये उबल जाएगा तो इसमें मछली डाल देंगे। तो अभी इसमें मछली ऐड कर रही हूँ। अभी रेडी हो गया है, अभी एंड में गरम मसाला पाउडर, बस ये कॉम्प्लीट हो गया है। अभी गैस को ऑफ कर देंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉन्ग फैमिली इन बिहार। हैप्पी संडे। तो आज है संडे, तो समझ ही रहे हैं हम लोग बहुत ही लेट से उठे हैं, और बाजार भी बहुत लेट से आया है, और खाना भी लेट से बना है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं आज खाने में क्या क्या है ना। वेरी एक्साइटेड, और गर्मी भी भयंकर है बिहार में। तो चलिए
बिना बातचीत करके लंच में क्या क्या है देख लेते हैं। आज खाने में है, यहाँ पे है मछली फ्राई है, यहाँ पे आलू गोभी और मछली डाल के एक ग्रेवी जैसा बनाए हैं, और यहाँ पे राइस है, यहाँ पे मछली का तेल है, और ये है गोभी का पत्ता, थोड़ा सा था तो वही मैंने लहसुन और प्याज से फ्राई किया है। तो चलिए फटाफट लंच कर लेते हैं। क्या बात है? कुछ नहीं, वो खांसी हो रहा है। खांसी हो रहा है ना? ठीक है, ठंडा तो खाना खा लो जल्दी से, ठीक है। तो आप सब कैसे हैं? गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बन गया है हम लोगों का गर्मा गर्म चाय और समोसा, और यहाँ पे है बुबोन। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? सब तुम्हारा फ्रेंड्स है? हाँ। सब? हाँ। सब लोग तुम्हारा फ्रेंड्स हो सकता है? बड़े भी तो है ना, तो सबको नमस्ते बताओ। सब लोगों को नमस्ते, नमस्कार, सब लोग कैसे हैं? अच्छा। और यहाँ पे है मिस्टर आदत। सब लोग सब कैसे हैं? सब बढ़िया है, खत्म हो गया था, तीनों को मिला। नाउ शुरू करो। प्लेटी ना कौन सा सॉस चाहिए? ठीक है, सॉस पुटली भी है पापा। पुटली उसको अच्छा नहीं लगता, बहुत मिर्ची लगता है। वो थोड़ा सा तीखा होता है ना। चाय के साथ आज। चीयर्स। बहुत अच्छा बना है। पता है आज कैसे बना है? ये वाला ना थोड़ा सा तंदूर टाइप का बना है, चाय को छान लिए, उसके बाद सॉसपैन को फिर से गैस पे खाली ही चढ़ा दिया, उसके बाद फिर चाय को फिर उस पे देके थोड़ा सा तंदूर वाला फ्लेवर लेके आ गया। अच्छा आ रहा है ना? कल मौसम ठीक था लेकिन आज एकदम फिर से गर्मी, फिर से वापस गर्मी आ गया, लेकिन कल का मौसम बहुत ठीक था। बहुत मस्त, टेस्टी लग रहा है। फिर डिनर भी करना होगा। पता है, पता है, पता है ना? ठीक है। चाय के साथ समोसा खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा पिक्चर देख रहे थे, मैं और मिस्टर आदत, और बुबुन तो एज यूजुअल मोबाइल लेकर के गेम खेल रहा था। और यहाँ पे मैं पिक्चर देखने के साथ साथ यहाँ पे ड्राइंग भी कर रही थी। ये डूडल आर्ट है, ये मुझे बहुत पसंद है करना, बहुत ही आसान है, आसान ट्रिक से किया जाता है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद डिनर कुछ नहीं किए थे, वही जो दोपहर में थोड़ा थोड़ा बच गया था वही खाए थे। बुबुन तो कुछ नहीं खाया था, वो तो समोसा खा के ही उसको पेट भर गया था। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। टिल देन, गुड नाइट।